गुंडा छाप, गुंडे की तरह जो धमकी दे रहा था, मैं अरविंद शर्मा की हर गुंडाई को, हर धमकी को कबूल करता हूं। जिस प्रकार से मेरे पर्चे उड़वाना चाहे, मेरे पर कच्चे उड़वाना चाहे, जिस प्रकार मरवाना चाहे, जिस प्रकार इलाज करवाना चाहे, उसकी खुली छूट है, करवा सकता है। इसके जो आका हैं, मैं दावे से कह सकता हूं भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने इसको पीछे से भर के भेजा था कि भी वहाँ जा कर के, मंच पर जा कर के माहौल ख़राब करो। बीते रोज रोहतक के सेक्टर 2 स्थित भगवान परशुराम मंदिर में मूर्ति अनावरण के दौरान भाजपा सांसद अरविंद शर्मा और कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के बीच कहासुनी हो गई। कुलदीप वत्स ने अपने संबोधन के दौरान मंच से अरविंद शर्मा के भाषण का जवाब देते हुए ये कह दिया कि अरविंद शर्मा जी ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ये तो बहुत पुराने खलीफे हैं। अरविंद शर्मा जी का तो कहना ही क्या है, तो बहुत पुराने खलीफे। कहा जा रहा है कि विधायक कुलदीप वत्स के इस पलटवार को लेकर ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ। पहले तो दोनों नेताओं में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों नेताओं के समर्थक भी आपस में धक्का मुक्की करने लगे। कार्यक्रम से निकलते वक्त डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में विधायक कुलदीप वत्स पर आरोप लगाए कि उनको भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने सिखा कर भेजा था कि वहां जाकर माहौल खराब करना है। ये मेरी सर, आज जिस तरह से मंच पे, जिस तरह से देखने को मिला, जो कुलदीप जो वत्स है उनको स्टेज तक नहीं आने दिया, इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, कोई 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 सांसद द्वारा गुंडागर्दी कोई कोई, देखो सुनो, हमने मंत्री जी ने कहा हमने आज तक जिंदगी में कोई गुंडागर्दी नहीं की, ना हम इस बात का समर्थन करते हैं, हम तो सेवक हैं, ना हम नेता हैं, ना हम सेवक हैं। अगर कोई ऐसे कर रहा है, कोई पीछे से ही आप पॉलिटिकल मंच नहीं था, ये पॉलिटिकल मंच नहीं था, किसी ने पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी ने पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल किया तो वो आपने देख ही लिया किसने किया, समझे, हमने नहीं किया। और इस तरह से पीछे से भर कर के आना, किसी ने पीछे से भर कर के, मैं कहता हूँ इसके जो आका हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने इसको पीछे से भर के भेजा था कि भी वहाँ जा कर के, मंच पे जा कर के माहौल ख़राब कर। वहीं अगर कुलदीप वत्स की बात करें तो उन्होंने सांसद अरविंद शर्मा के दावों का खंडन करते हुए कहा कि अरविंद शर्मा ने उनके पर खच्चे उड़ाने की धमकी दी है और वो उनकी हर धमकी को स्वीकार करते हैं, अरविंद शर्मा जो चाहे वो उनके साथ करवा के देख ले। देखिए ऐसा है, हम तो कमजोर व्यक्ति है, किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से हैं, ये भाई पुराने खिलाड़ी हैं, रईस फैमिली से हैं, सांसद हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे हुआ कि शेर को लेकर के आपने कहा था कोई भी साथी बगैर खाना खाए ना जाए, जरूरत नहीं है, फसल की जरूरत नहीं है, हम मजबूत होंगे तो वैसे ही उठा लेंगे, क्योंकि सामाजिक मंच है। देखिए ये सामाजिक मंच है और प्रदेश, देश और अपना समाज कोई हो, वो प्यार से आगे बढ़ता है, नफरत से आगे नहीं बढ़ता। मेरा काम नफरत, मेरा काम है प्यार को बढ़ाना, मैं नफरत को मिटाना चाहता हूँ, ना मैं नफरत रखता हूँ, ना मैं नफरत की बात करता हूँ। और भाई जिसा बड़ा भाई था अरविंद शर्मा जी, जिस उसकी सोच थी, मैं उसकी हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं नफरत पैदा की जो उन्होंने चुनौती दी, परकच्चे उड़ाने की जो धमकी दी, स्टेज पर नहीं चढ़ने देने की जो धमकी दी है, और उसके जो साथी थे, जो उसके थे, जो गुंडा छाप, गुंडे की तरह जो धमकी दे रहा था, मैं अरविंद शर्मा की हर गुंडाई को, हर धमकी को कबूल करता हूँ। जिस प्रकार से मेरे पर्चे उड़वाना चाहे, मेरे पर कच्चे उड़वाना चाहे, जिस प्रकार मरवाना चाहे, जिस प्रकार इलाज करवाना चाहे, उसकी खुली छूट है, करवा सकते। आपको बता दें कि भगवान परशुराम की मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और नवीन जैन के साथ ब्राह्मण समाज के कई नेता और गणमान्य लोग वहां पहुंचे थे। मगर इसी बीच डॉक्टर अरविंद शर्मा और कुलदीप वत्स के बीच में ये पूरी बहस हो गई, जिससे इस पूरे कार्यक्रम में खलल पड़ गया। रोहतक से हरियाणा तक के लिए सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।